लॉकडाउन के बाद से केंद्र और प्रदेश सरकार ने तमाम तरह की मदद गरीबों के लिए करनी शुरू कर दी। सरकार ने ये किया कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद दें, जिससे उन्हें भूखा ना रहना पड़े और जिससे उनके सामने कोई दिक्कत ना आए। अभी तक प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को फ्री में राशन देने का काम किया। अब केंद्र सरकार जो है वो फ्री में राशन कार्ड धारकों को 5 किलो अनाज देने की व्यवस्था कर रही है और ये 15 अप्रैल से आप सभी को मिलने लगेगी। हालांकि तमाम ऐसे लोग जो सोचने लगे थे, तमाम ऐसे लोगों में चर्चाएं होने लगी थी कि सरकार जो है सभी गरीबों को राशन फ्री में देगी, मगर ये पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ, ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये जो है किसी भी तरह का आपका राशन कार्ड हो, मगर केंद्र सरकार की तरफ से जो राशन आपको मिलेगा वो सिर्फ 5 किलो मिलेगा। अभी इस 5 किलो में आलू भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है या चावल भी हो सकता है, अलग अलग चीजें वो सरकार बाद में तय करेगी, लेकिन कार्ड धारकों को ही मिलेगा। ये कार्ड धारक अंत्योदय के भी हो सकते हैं, सामान्य कार्ड धारक भी हो सकते हैं। तो जल्द ही ये आपको 15 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी।